आज के कलाम में से जबूर 114। जब इसराइल मिस्र से निकल आया, यानी यकूब का घराना अजनबी जुबान वाली कौमों में से, तो यहूदा उसका मकसद और इसराइल उसकी मलकियत ठहरा। ये देखते ही समुंदर भाग गया, यर्दन पीछे हट गया, पहाड़ मेंढकों की तरह उछला, पहाड़ियाँ बेड़ों के बच्चों की तरह कूदी। ऐ समुंदर, तुझे क्या हुआ कि तू भागता है? ऐ यर्दन, तुझे क्या हुआ कि तू पीछे हटता है? ऐ पहाड़ों, तुमको क्या हुआ कि तुम मेंढकों की तरह उछलते हो? ऐ पहाड़ियों, तुमको क्या हुआ कि तुम बेड़ के बच्चों की तरह कूदती हो? ऐ जमीन, तू रब के हजूर, यकूब के खुदा के हजूर थरथरा, जो चट्टानों को झील और चमकों को पानी का चश्मा बना देता है। आमीन।